शुरू करता हूँ सर आपका नाम लेकर जो कि नहायत रहम करने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो क्या वाकई आपके स्कूल जो है वो दोबारा बंद होने जा रहे हैं? न्यू मीटिंग कब होगी और साथ साथ कितने परसेंट चांसेस जो हैं अभी भी बाकी हैं कि आपके तलीमी इदारे जो हैं वो दोबारा बंद हो सकते हैं? ये सारा कुछ मैं डिटेल के अंदर बताता हूँ। और आपके मिनिस्टर्स की तरफ से क्या न्यू अपडेट आई हैं आप लोगों के तलीमी इदारे खोलने के बारे में? और क्या आप लोगों के स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो इस मंथ तक कंप्लीट जो है वो बंद रहने वाले हैं? मैं सारा कुछ डिटेल के अंदर बताता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से सारा कुछ पता चल जाए और आपको पता चल जाए कि क्या हमारी वैकेशन के बारे में न्यू अपडेट जो है आई हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा, उससे पहले जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि इस तरह की न्यू एजुकेशन के बारे में जो भी अपडेट्स हों सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों के तलीमी इदारे जो हैं अभी फ़िलहाल ओपन हैं 9th से लेके 12वीं क्लास तक आप लोगों के, और जो 1 फरवरी है वहाँ से आपके 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक के और जितने भी आपके हायर लेवल के इदारे हैं वो आप लोगों के ओपन हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, आप लोग बताएं क्या आपके स्कूल कॉलेज के अंदर जो है वो SOPs फॉलो हो रही हैं या नहीं? मैंने पोल करके अभी पूछा था तो तकरीबन 30-40% स्टूडेंट ने कहा था सर फॉलो हो रही हैं, और बाकी 60-70% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका कहना था कि सर SOPs फॉलो नहीं हो रही। तो अब स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं आपकी वेकेशंस के बारे में, जो आपके चांसेस हैं वो बहुत ही कम हैं। मे बी अगर हालात ख़राब होते हैं तो ही आपकी वेकेशंस ज़्यादा होंगी। आपके चांसेस स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ 10-15% चांसेस बचे हैं। पहले के चांसेस आपके काफ़ी इंक्रीज हो गए थे, अब हालात उनका कहना है थोड़े से नॉर्मल है। हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके तलीमी इदारे खोलना स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग स्टडी करें और अच्छे तरीके से जो है वो पाकिस्तान के लिए काम करें, और पाकिस्तान को जो है वो दुनिया के नक्शे पर जो है वो उभारना है आप लोगों ने। ये आपके मिनिस्टर्स ने कहा था और उन्होंने अब अपना सेंटेंस भी चेंज कर दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एजुकेशन इज़ प्रायोरिटी ऑफ आवर स्टूडेंट, के हमारे स्टूडेंट्स के लिए अब एजुकेशन जो है वो प्रायोरिटी है, क्योंकि उन्होंने कहा है हालात अब थोड़े से नॉर्मल हैं। तो अब आपको बताऊं जो आपकी न्यू मीटिंग है वो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह ताला मंडे टू मंडे होती है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे जो है वो आपकी मीटिंग होगी और उस मीटिंग के अंदर दोबारा से जो है वो बैठ के आपके वेकेशन के बारे में डिस्कस किया जाएगा, और अगर उससे पहले कोई अपडेट आती है वो भी इंशाल्लाह ताला आप तक पहुँचा दी जाएगी। और इंशाल्लाह ताला देखते हैं उस मीटिंग के अंदर क्या डिस्कस किया जाता है, क्या आपकी वेकेशन के बारे में, आप किस तरीके से स्कूल आएंगे, कितने दिन आएंगे आपका, ये सारा कुछ जो है इंशाल्लाह ताला दोबारा से डिस्कस किया जाएगा आपका टाइम टेबल। तो प्लीज़ आप लोग भी वीडियो को पूरा देखा करें एंड तक, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेलेक्ट करके रखें ताकि जैसे ही मैं कोई भी न्यू अपडेट की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको उसी वक्त मिल जाए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दिया करें, आपके एक लाइक करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिल जाती है। इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स, आपके लिए एजुकेशन के बारे में जो भी अपडेट्स होंगी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जाके पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत कामयाबी अता फरमाए।